और चलिए सीधे रुक करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेंट्रल पार्क के कनक भवन पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जयपुर से ये सीधी तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क के कनक भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वो साफ नजर आ रहे, गाड़ी से उतरने से पहले उन्होंने मास्क लगाया और अब कनक भवन पहुंचे हुए हैं। गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है कनक भवन में। बीकानेर संभाग के प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और अब तक 5 संभागों के प्रशिक्षण शिविर हो चुके हैं। मंत्री बीडी कल्ला व भंवर सिंह भाटी भी शिविर में मौजूद हैं। 7 दिन तक चला है ये प्रशिक्षण शिविर और आज समापन है। समापन समारोह में ही सम्मिलित होने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं सेंट्रल पार्क के कनक भवन। और चलिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, बेहद अहम है जहां समापन समारोह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए, कार्यक्रम किस तरह से रहेगा ये? देखिए, ये जो कनक भवन में जो गांधी का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, इस सेंटर में पहले भी जो प्रशिक्षण शिविर हुए हैं, 1 सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, अलग अलग संभागों के ये शिविर हुए हैं और ये 6ठा जो शिविर है जो की बीकानेर संभाग का है, जहाँ पे बीकानेर संभाग के जो प्रशिक्षणार्थी है वो यहाँ पे आए हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको गांधी दर्शन के बारे में बताया गया है, गांधी की जीवनी के बारे में बताया गया है, गांधी के सिद्धांतों के बारे में बताया है। और आज उस 7 दिवसीय जो शिविर है उसका समापन है और इस समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं। और इससे पहले चूंकि बीकानेर संभाग का शिविर है तो संभाग के 2 मंत्री है, बीडी कल्ला और भंवर सिंह भाटी, ये दोनों भी यहाँ पे मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद अब ये जो प्रशिक्षण शिविर का जो समापन कार्यक्रम है वहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। जब वो बात करेंगे उनसे किस तरह जो शिविर है उसमें उनको लाभ मिला है और किस तरह की ट्रेनिंग ली है, आगे किस तरह ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है उसमें सुधार किया जा सकता है, किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, और साथ में जिस तरह से सरकार ने गांधी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए जो विभिन्न प्रयास किए हैं उसके बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा, अपनी बात रखेंगे। और चूंकि इस एक्सीलेंस सेंटर को बनाने का निर्माण कार्य भी यहाँ चल रहा है तो संभव है कि मुख्यमंत्री दौरा करे निर्माण कार्य को देखे। अभी कार्यक्रम तय नहीं है लेकिन फिलहाल जो प्रशिक्षण शिविर का जो समापन कार्यक्रम है एक हॉल में चल रहा है, वहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं।